हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग एफएससी प्री मेडिकल, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स, इनके कोर्सेज लेके चलने वाले हैं। आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है एफएससी फर्स्ट ईयर का, वो है बायोलॉजी चैप्टर वन, हमने वो स्टार्ट करना है। आज हमने वहाँ से दो टॉपिक पढ़ने, एक इंट्रोडक्शन और एक ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोलॉजी। ठीक है जी, बायोलॉजी क्या है, हमारी पूरी बुक इसी पे बेस करनी है। तो बायोलॉजी आसान अल्फाज में हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी दो वर्ड से निकला है, बायोस और लोगोस, वही लफ्ज है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन रीजन, थॉट, या एक नया वर्ड भी है सर्च। ठीक है जी, लाइफ उसके मतलब सोचना, उसके मतलब ख्यालात निकालना, या जिंदगी के मतलब आपने कुछ चीज़ सोची है तो क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, उसके बारे में सर्च करना। ठीक है जी, इसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। और इस बायोलॉजी के, क्योंकि इन दो लफ्ज़ों से निकला है, तो इसका लिटरली जो लफ्जी मतलब है वो है स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदा जानवरों की स्टडी करना। ठीक है, अच्छा जी, अब लेकिन जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, वो ये है, व्हाट इज बायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स। साइंटिफिक स्टडी करनी है आपने, ठीक है, बायोलॉजी में। अब व्हाट इज मीन बाय साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी से आसान अल्फाज में आप लफ्ज़ ले लें प्रूव। बायोलॉजी में जब आपने जिंदगी के मतलब कोई चीज पढ़नी है तो आप ऐसे ही नहीं कह सकते, आपको उसके मतलब या तो प्रूफ मिलेगा, या अगर आपने खुद से निकाला है तो आपको अगले बंदे को वो प्रूफ देना भी पड़ेगा कि मैंने जिंदा जानवर के मतलब ये चीज है, ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी बनाई है और ये ठीक है, क्यों जी मेरे पास ये प्रूफ है। ठीक है, तो बायोलॉजी में साइंटिफिक, साइंस के असूलों की बुनियाद पे, साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिकल मेथड जिसे कहते हैं, उसकी बुनियाद पे हम जिंदा जानवरों की स्टडी करेंगे। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, बल्कि आसान ज्यादा बेहतर है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, और अब बायोलॉजी के अंदर डेफिनेशन में तो हम लोग यही कह रहे हैं कि हमने लिविंग थिंग या जिंदा जानवरों की या लाइफ की स्टडी करनी है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। बायोलॉजी में कुछ पॉइंट्स या कुछ मकामात, कुछ जगह ऐसी हमें सामना करना पड़ता है कि वहां पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी बगैर नॉन लिविंग के हो ही नहीं पाएगी, जैसा कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। आप तब तक जानदारों के मतलब पता ही नहीं कर सकते जब तक आप ये ना पता करें कि इस जानदार को इस माहौल से फायदा, इस माहौल में नुकसान हो रहा है। फिर आपको जाहिर सी बात है माहौल की स्टडी करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इकोलॉजी, जू जियोग्राफी, ठीक है जी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इसी तरह फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मरीन, ठीक है जी, बायोलॉजी, इनके अंदर आपको एनवायरमेंट भी डील करना पड़ता है। और वैसे भी बायोलॉजी में हम लोग जिंदा जानवरों के साथ साथ नॉन लिविंग साथ ही लेके चलते हैं, इसलिए आपकी जो बुक का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वन है उसमें उसने ये दोनों चीज़ें वाजे की हैं कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन लिविंग की भी स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा अभी तक कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं गुजरा, ठीक है, एमसीक्यूज जनरल जो गुजरा है वो आप हमको पता ही है पहले से, 9th-10th से। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने लगे हैं, ठीक है जी, यहाँ से पहला इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का निकल रहा है, और वो क्या जी, व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी क्या है या जिंदगी के खसूसियात क्या होती हैं। अब यहाँ पे बात करते चले कि बायोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है जी, बायोलॉजी पढ़ने वाले, अब आप लोगों ने भी बायोलॉजी रखी है तो इसी नीयत से रखी होगी, या डॉक्टर बनेंगे या बायोलॉजिस्ट करेंगे, तो बायोलॉजिस्ट जो है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी करने वाले, वो कैन नॉट डिफाइन लाइफ, वो लाइफ को डिफाइन ही नहीं कर सकते, पता ही नहीं है यार की होंगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि लाइफ शुरू से ही हमें कन्फ्यूजन रही है कि किस चीज़ को जिंदा कहना है, किस चीज़ को मुर्दा कहना है। अगर सिर्फ ये बात की जाए कि जी मैटर है तो हम भी मैटर हैं, जिंदा चीज़ें एटम से मिलकर बने, ये कुर्सी, ये टेबल, ठीक है जी, ये मार्कर भी एटम से मिलकर बने, तो क्या ये जिंदा है। तो जब ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी है, तो फिर
वो हिलडुल क्यों नहीं सकते, ये क्यों नहीं हिल सकता, हम लोग हिल क्यों सकते हैं? तो यहाँ पे जो आसान तरीका होता है वो है जी फिलॉसफी, फलसफादान, या किसी मजहबी पेशवा, जैसे आप मौलवी, पंडित, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, उसके पास जाया जाता है कि जी ये मसला है, अब रिलीजन में इसके मतलब कुछ है। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि बायोलॉजी की डेफिनेशन को फिलोसोफर और थियोलॉजिस्ट इन्होंने आंसर दिया है कि बायोलॉजी आप किसे कह सकते हैं, ठीक है। थियोलॉजिस्ट मजहबी पेशवा को कहा जाता है, या ठीक है जो इस अपने रिलीजन के मतलब नॉलेज रखते हैं उन्हें कर। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या कहा जी, जब भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे याद रखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये पैराग्राफ आप, ये लाइन आपकी बुक में मौजूद है। इन्होंने बायोलॉजी को क्या डिफाइन किया, वो कहते हैं बायोलॉजी या जो आपकी बुक में वर्ड यूज है वो है लाइफ, ठीक है। बायोलॉजी सॉरी लाइफ, इट इज अ करेक्ट सेट ऑफ सर्टन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब इसका जो मफहूम है वो समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा लाइफ जो है वो एक करेक्टरिस्टिक्स का सेट है, कुछ खसूसियात का मजमुआ है, ठीक है जी, दैट डिस्टिंग्विश, जो फर्क कर देगा, इम्तियाज डाल देगा, डिफरेंट कर देगा, अलहदा कर देगा, किसको जी, लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग, जिंदा को मुर्दा से, बेजान से। कि हम बता दिया गया जी जनाब ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें ये होंगे आप उसे जिंदा कह दो, जिनमें नहीं होंगे आप उन्हें नॉन लिविंग या मुर्दा कह दो, ठीक है जी, जान ही छुटे। अब कौन कौन से करेक्टर हैं जी वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, तो ये लाइन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी, देन करेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। कौन कौन से जी, नंबर वन हाईली ऑर्गेनाइज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ये पहला पॉइंट था, हाईली ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जितने भी जानवर आप देख ले वो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके अंदर तरीके से चीज़ें चल रही होती है। कि सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम डाइजेशन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, कि एक तरीका वा रहा है कि सबसे पहले आप खुराक खाएंगे, अब सेल में नहीं जाएगी, खुराक स्टमक में जाएगी, डाइजेशन होगी, उसे बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, ठीक है जी। अब सेल फर्ज करें मेरी फिंगर के सेल को खुराक चाहिए, खुराक को मेदे और स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो फिर ब्लड होगा जो उसे प्रॉपर एक मैकेनिज्म से वहां तक लाएगा, फिर वो खुराक सेल में जाएगी, फिर वहां पे उसकी ब्रेक डाउन होगी, एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी, फिर एनर्जी निकलेगी। तो हर जानदार के अंदर, जिसे आप जिंदा कहते हो, उसके अंदर किस हर चीज के लिए एक परफेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म मौजूद। और जब मुख्तलिफ हायर जानवरों की बात कर लें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पचीदा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि ह्यूमन, ठीक है, तो उनके अंदर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक भी वही होगा, कि हर जानदार पचीदा आसान से मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल होता है। जैसा कि सबसे पहले आप एटम लेवल पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर थोड़ा सा टफ हो गया, देन ऑर्गेनली और सेल थोड़ा सा और टफ हो गया, फिर ऑर्गन सॉरी टिश्यू, फिर ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोस्फीयर। तो इस तरह ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। देन उसके बाद नंबर टू जो इनके करेक्टर हैं, ये कंपोज्ड ऑफ होते हैं वन एंड मोर सेल, एक या एक से ज्यादा सेल से ये मिलके बनते हैं। एक सेल की मिसाल आप 9th में पढ़ के आए हो, यही टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, जिसमें आपने पढ़ा था अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये एक सेल पर मुश्तमल होते हैं। एंड मोर सेल, ज़्यादा सेल में आ जाएं तो प्लांट, वहाँ पे आपने ब्रासिका पढ़ा था और फ्रॉग पढ़ा था, तो यहाँ पे आप इंसान की एग्जांपल ले लें, शेर, चीता, बिल्ली, हिरन, जिसकी मर्जी लेना चाहें, तो वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। देन उसके बाद हैविंग जीनोम, ठीक है जी, उनके पास क्या होता है, जीनोम होता है। एंड वट इज मीन बाय जीनोम, डीएनए आरएनए सेल के अंदर होना मौजूद जरूरी है। यहाँ पे डीएनए आरएनए का मैंने कहा है, न्यूक्लियस का नहीं कहा, क्योंकि यूक्रियोट में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इनका जीनोम होता है, प्रोक्रियोट में साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। तो लिहाजा अगली जो जानदारों की करेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर जीनोम डीएनए या आरएनए होना जरूरी है। देन रिप्रोडक्शन, जो सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में, पहली पांच मैंने अभी लिखी थी, वो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन पे दिया जाता है, कि जो जिंदा चीज है वो रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। जैसा कि एक इंसान है तो वो अगली इंसान पैदा करेगा, जानवर है जानवर पैदा करेगा, प्लांट है तो सीड या स्पोर्ट्स के जरिए प्लांट पैदा करेगा, लेकिन ये वाइट बोर्ड अपने जैसा वाइट बोर्ड नहीं बना सकता, एक चेयर अपने जैसा चेयर पैदा नहीं कर सकती। तो जितने भी जिंदा जानदार हैं दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, ये बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, ये अपने माहौल में तब्दीलियों के खिलाफ जवाब देते हैं। तब्दीलियों से मुराद क्या है जी, तो फर्ज करें जी इस वक्त गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो हमने ब्रीक कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है जी, फैन ऑन है,
ठीक है जी, कुछ लोगों को अगर ज़्यादा ही गर्मी लगती है तो एसी ऑन किया होगा, तो लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो यही चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। अब सर्दी आ गई है तो हमने मोटे कपड़े पहन लिए हैं, जर्सी हैं, सूप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो क्या है जी, हम जो जिंदा जानवर होते हैं वो अपने माहौल में अगर तब्दीली आए तो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उस तब्दीली से उन्हें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, देन अगले दो करेक्टर जो उनसे हैं जी, एक्वायर एंड यूटिलाइज्ड एनर्जी, ये एनर्जी लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, आप लोग खुराक खाते हो जिससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, उस एनर्जी से आप लोग क्या करते हो जी, चलते हैं, फिरते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हमारा हार्ट पंप करता है, ये सारी की सारी क्या जी, वो जो खुराक से हमें एनर्जी मिली है उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। एंड कैन ग्रो इन साइज, ठीक है जी, ये भी जिंदा जानवर के करेक्टर में एक अच्छा खासा करेक्टर है, जो मोस्ट ऑब्वियस करेक्टर है, ठीक है जी, के जानवर जो है वो साइज में बढ़ता है। इंसान की मिसाल ले, इतने से बेबी से पैदा होता है और इतना बड़ा फिर इससे भी बड़ा होता है। आप प्लांट की मिसाल ले लें, आप एक प्लांट लगा तो छोटा सा सीडलिंग ज़मीन से निकलता है और फिर एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो जो जिंदा जानवर होते हैं उनकी बॉडी में इंक्रीजमेंट आती है, उनका जिस्म बढ़ता है, ठीक है, जबकि बेजान इस वाइट बोर्ड का जिस्म कभी नहीं बढ़ेगा, चाहे ऐसे के ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है जी। मेटल्स में कुछ करैक्टर हैं कि एक्सपेंशन होती है, लेकिन वो केमिस्ट्री के लिहाज से उसका प्रूफ है कि वो जिंदगी का करैक्टर नहीं है, ठीक है। देन आगे चलते हैं जी, हमारी आज की जो लेक्चर है उसका आखिरी टॉपिक वो है जी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है जी, बायोलॉजी की ब्रांचेस। अब इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात रिमाइंड करवाते हैं, वो आई मे बी 9th क्लास की फिजिक्स में है, चैप्टर 1 फिजिक्स का, उसके पहले ही पेज पे आपने पढ़ा था कि 19th सेंचुरी से पहले सारी इलम एक ही बुक में था, नेचुरल फिलोसफी, बाद में उसे बांटा गया। सेम वही बात है कि सबसे पहले ये दरख्त है बायोलॉजी, सारा इलम बायोलॉजी में ही था, लेकिन जब इलम बायोलॉजी में जो नॉलेज था इजाफा होता गया तो उसे तीन ब्रांच डिवीजन में तोड़ना पड़ा, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इनमें तोड़ना पड़ा, ठीक है। अब जब इन डिवीजन में भी बहुत नॉलेज हो गया तो फिर इसको भी तोड़ना पड़ गया, वो किस तरह जी, मॉर्फोलॉजी और बाकी ब्रांचेस में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मॉर्फोलॉजी क्या जी, फॉर्म एंड फंक्शन, आप जानदार की बनावट वो किस तरह का है और उसके उस बनावट के लिहाज से उसके फंक्शन क्या है उसकी स्टडी करते हो। इसकी दो टाइप है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में यही डेफिनेशन वैलिड है कि बाहर से कैसे दिखता है और इसकी स्टडी कर रहे हो। इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी से आप एनाटमी कहते हो कि उस स्ट्रक्चर्स का और उनके फंक्शन का मतालिया करना है, स्टडी करनी, जो आपको ज़ाहरी नज़र नहीं आ रहे। इंटरनल स्ट्रक्चर आपको सर्जरी के जरिए काट के चीर के ही दिखाया जाएगा या देख सकते हो, उन स्ट्रक्चर्स को आप एनाटमी में स्टडी करते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी। सेल बायोलॉजी, सेल है बायोलॉजी, जिंदगी का मतलब है, तो हर वो चीज़ सेल से मिलके बनती है और सेल एक लिविंग थिंग है, तो सेल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर ऑर्गेनली कैसी हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, इन सब की स्टडी को आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हो। इज दैट क्लियर, गुड। नेक्स्ट चलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोग स्कोप एक सेल से स्टार्ट करते हो, सेल ऑर्गेनली, सॉरी, सेल टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, यहाँ तक सेल वो किससे मिलके बना है, सॉरी, किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, अगर टिश्यू की बात की है तो वो किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एक जानदार किन मॉलिक्यूल से मिलके बना है, तो यहाँ पे आप लोग एक स्टार्ट करते हो पीक से और एंड तक कहाँ जाते हो, मॉलिक्यूल से। फर्ज करें एक इंसान है तो आपने पहले ये स्टडी किया ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम कौन से, फिर ये देखा उसमें ऑर्गन कौन से, फिर देखा उसमें टिश्यू कौन से हैं, फिर देखा उसमें सेल कौन से, फिर ये देखा वो सेल किन ऑर्गेनिज्म से बना, फिर ये देखा उन ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल कौन से हैं। तो ये पूरी जो स्टडी आप लोग करते हो, ठीक है जी, सेल की, सॉरी, किसी भी चीज़ की मॉलिक्यूलर लेवल तक, उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन जेनेटिक्स साइड, तो ये क्या जी, स्टडी ऑफ जीन और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या जी, वो करैक्टर जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उन करैक्टर्स को आप इनहेरिटेंस कहते हैं, इसमें आप लोग वो स्टडी करते हो। और जो जेनेटिक्स है, इसी में ही आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है जी, इसी में ही आपको जीन थेरेपी दी है, ठीक है, क्योंकि हमें जीन का पता होगा तो उससे हम लोग आगे काम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो ये एम्ब्रियो और डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी। अब एम्ब्रियो क्या जी, जब स्पर्म और एग जुड़ते हैं तो जाइगोट बनता है, वो चीज़ एम्ब्रियो फॉर्म में ही होती है। अब वो एक एम्ब्रियो की स्टडी पता चल गया जी, एम्ब्रियो किसे कहते हैं, हमने यहाँ तक स्टडी की। अब डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या जी, वो जो एक एम्ब्रियो है जो अभी
ठीक है जी, एक नुतफा कहला रहा है, वो एक एम्ब्रियो से अडल्ट में, एक पूरे के पूरे जानदार में कैसे बदल रहा है, तो उस पूरी स्टडी, उसके पूरे डेवलपमेंटल स्टेजेस के, ये जाइगोट था तो ये 12 माह या 9 माह तक इसमें कौन सी चेंजेस आए, फिर ये बच्चा बेबी बना, फिर बच्चा, फिर लड़का, फिर ठीक है जी जवान, फिर बूढ़ा, तो ये पूरी जो स्टेजेस की स्टडी आप लोग करते हो डेवलपमेंटल स्टेजेस की, उसे एम्ब्रियो बायोलॉजी कहते हैं। देन पैलेंटोलॉजी है, ये स्टडी ऑफ फॉसल होते हैं, और फॉसल आप कहते हैं वो चीज़ें जो पहले मौजूद थी, ज़मीन में दफन हो गई और उनके बाकियात हमारे पास हैं, रेमिनेंट हैं, ठीक है, जैसा कि डायनासोर्स, तो उन्हें हम लोग कहते हैं पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, पैलियो, पहले चार लफ्ज, जोलॉजी, पैलियोजोलॉजी एनिमल की फॉसल की स्टडी है, पैलियोबॉटनी प्लांट फॉसल की स्टडी है, ठीक है, और भी फंजाई के लिए ऐसा भी है, एल्जी के लिए ऐसा भी, लेकिन वो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। देन उसके बाद पैरासाइट, ये पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप की स्टडी है, फिर आपने इसी में पैरासाइट की डेफिनेशन बतानी है कि पैरासाइट ऐसे जानदार जो दूसरों से खुराक लेते हैं, जिंदा जानदारों से बदले में नुकसान देते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। देन सोशल बायोलॉजी, उन जानदारों की स्टडी जो सोसाइटीज बनाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है जी, उन जानदारों की स्टडी में, उन कम्युनिकेशन, उन सोसाइटीज की स्टडी कहलाती है सोशल बायोलॉजी। इसमें ज़्यादातर इंसान की सोसाइटीज, वो कैसे कम्युनिकेशन करता है, ठीक है जी, वो कैसे एक दूसरों से लेन देन करता है, वो चीज़ें आती हैं। देन ह्यूमन बायोलॉजी है, बायोलॉजी की, इसमें आप इंसान वो किन सेल से मिलकर बना है, वो किन टिश्यू से मिलकर बना है, उसमें स्ट्रक्चर कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर फंक्शन क्या करते हैं, ठीक है जी, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी साइटोलॉजी कैसा है, ये सारा कुछ आप इंसान का स्टडी करोगे इन ह्यूमन बायोलॉजी। देन फ्रेश वाटर और मरीन वाटर बायोलॉजी है, इसमें आपने फ्रेश वाटर में जानदार कौन से रहते हैं और उस फ्रेश वाटर के कौन कौन से पैरामीटर हैं, कि उसके अंदर पानी कैसा है, साल्ट की कंसंट्रेशन है तो कितनी है, पानी का टेम्परेचर कितना है, फिजिकल पैरामीटर ये सारे, केमिकल पैरामीटर ये स्टडी करोगे। मरीन बायोलॉजी में आप लोग वो जानदार जो समुंदर में रहते हैं उनकी स्टडी करोगे, और वो समुंदर का पानी वही चीज़ें उसकी फिजिकल केमिकल पैरामीटर के, नमक कितना है, पीएच कितनी है इसकी, ठीक है, टेम्परेचर कितना रहता है, कौन सा साल्ट ज़्यादा है, कौन सा कम है, ये स्टडी करो। और एट द एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप लोग जिंदा जानदारों की इस्तेमाल ताकि इंसानियत को फ़ायदा हो, वो स्टडी करते हैं, जैसा कि यीस्ट के ज़रिए आप मक्खन, ठीक है जी, शराब, खमीर, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, तो जिंदा जानदार खसूसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके किस तरह इंसानों को फ़ायदा दिया जाता है, उसे आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये थी आज की हमारे आज का पहला लेक्चर।